हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट डाटा एंड टर्म्स की जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप FCA AGM के स्टूडेंट हो, चाहे आप दूसरे टेक्निकल के हो, या फिर और किसी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट लाइक AFO वगैरह के हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो देखिए जी, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्मेंटेड बिवर्च, ठीक है, मतलब जिनको फर्मेंटेशन के बाद बनाया जाता है। और फिर देखेंगे हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर इंडेक्स क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे रेवोल्यूशनरी वेजिटेबल वराइटीज़, फिर यूज़ ऑफ ट्रैप क्रॉप्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम ये वाला कुछ इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि दो दिन मैंने क्लास क्यों नहीं लगाई, आज के दो दिन पहले मैंने कोई भी क्लास अपलोड नहीं करी, हालांकि मैंने कहा गया था कि मैं काफ़ी क्लासेस वगैरह अपलोड करूँगा, बट यार एक्चुअली मेरी हेल्थ अभी थोड़ी सी वीक चल रही है कुछ दिनों की, ठीक है। तो जब मैं प्रॉपरली अच्छी तरीके से फिट हो जाऊँगा तो मैं पक्का आपके लिए लेकर आऊँगा, आप मेरी आवाज़ से भी देख सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे वेट कर रहे थे दिसंबर के करंट अफेयर की, तो उनके लिए करंट अफेयर आज मैंने लॉन्च कर दी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस जो इमोजो वाला लिंक है ना, ये वाला इमोजो वाला स्लैश पाकर दिसंबर लिख देना है, दिसंबर छोटे अक्षरों में, ठीक है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने वो लगा दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लो। अगर जो बच्चे करंट अफेयर भी कर रहे थे हमारे से, तो वो वहाँ से जाकर ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं है, 30 रुपये की PDF होती है हमारे वाली जो होती है, एक बार लेकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि PDF में कितना ज़्यादा दम है, ठीक है जी। आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर में। तो चलिए जी, बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में। तो फर्मेंटेड बिवर्ज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो पीने वाले पदार्थ होते हैं या खाने वाला चार वगैरह होते हैं, और वो बनते हैं फर्मेंटेशन की वजह से, तो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले वाइन, ठीक है, इधर मैंने लिखा हुआ है फर्मेंटेड बिवर्ज, और इधर मैंने लिखा हुआ है कि वो प्रिपेयर किससे किए जाते हैं। कई बार देखा गया है हाल ही में, मतलब जो 2013 के 12 का एग्ज़ाम था कोई, तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड एग्ज़ाम था, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों रिस्क लेना, तो छोड़ना नहीं है हमको। फर्मेंटेड ब्रिज में जो वाइन होती है, अल्कोहल होती है उसमें 7 से 20%, तो किससे बनी होती है, ग्रेप से, अंगूर से बनी होती है। फिर आता है नीरा, ठीक है, ये किससे बनता है, पाम ट्री जूस से, ठीक है। फिर आता है मेड वाइट, ये हनी से बनता है। फिर फैनी, कैश्यू एप्पल, ब्रांडी बनती है डिस्टिल्ड वाइन से, साइडर बनता है एप्पल जूस से, बियर बनती है बारले से, पैरी बनती है पियर जूस से, ये है किर्स वसीर, ये बनती है पल्प ऑफ चेरी जूस से, ठीक है। फिर आता है अर्क, तो अर्क बनता है डेट पाम से। ये इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि बियर का भी हो सकता है पूछा जाए, आपकी फेवरेट चीज़ है ना ये, तो मजाक कर रहा हूँ, बियर हो गया, या जो इम्पोर्टेंट है अर्क हो गया, और एक वाइन, ठीक है। तो पूछना चाहे तो वो ब्रांडी भी पूछ सकते हैं, तो ये देख सकते हो आप, अल्कोहल वाइन में 7 से 20 होता है, ग्रेप्स से बनी होती है, ब्रांडी डिस्टिल्ड वाइन से बनी होती है, और अर्क बना होता है डेट पाम से, बियर बनी होती है बारले से। मान लीजिए आपको कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, सपोज करो आपके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो FCI की अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो हज़ारों की संख्या में जो बच्चे हैं वो और सोर्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारी वीडियो देखने वाले बच्चे होते हैं 100 से 200, ठीक है। तो आप देखो कि आप उस कंपटीशन में कितना आगे चल जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को सीरियसली देखा करो, पूरी देखा करो, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट लेकर आता हूँ। अब बात करते हैं क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर इंडेक्स क्वांटिटी, ठीक है। इस वीडियो इस जो अब
आएगा, अगला सेक्शन आएगा, उसमें हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखेंगे मॉइस्चर इंडेक्स क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखते हैं जी, पर ह्यूमिड जिसको कहते हैं मोर ह्यूमिड, पर ह्यूमिड होगा शायद, है ना, देख लेना पर ह्यूमिड। इसमें जो मॉइस्चर इंडेक्स की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, सॉरी यहाँ पर क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो ये कितनी है, 100 से लेके या 100 से ऊपर भी हो सकती है, परसेंटेज में है, ठीक है। तो ह्यूमिड में कितनी हो सकती है, 20% से 100%। मोस्ट सब ह्यूमिड में मॉइस्चर इंडेक्स की क्वांटिटी होती है 0 से 20। ड्राई सब ह्यूमिड से -33.32 लेकर 0 से। सेमी एरिड, सेमी एरिड होता है, एरिड आप कैसे याद रखो, जैसे एरिड है ना, एरिड, एरिड को आप प्रोनाउंस करके देखो एरिड, तो ये ड्राइड की तरह नहीं बोला जाता ना, ड्राइड, एरिड का मतलब ड्राइड, ठीक है। एरिड होता है जहाँ पर बारिश कम होती है, सूखे हुए होते हैं, तो सेमी एरिड क्या होगा, जिसमें थोड़ी सी बारिश होती होगी, ज़्यादा मतलब सूखा नहीं होता, बीच बीच में गिल्ला भी हो जाता है। तो उसमें मॉइस्चर इंडेक्स की क्वांटिटी कितनी है, 66.7 से लेकर -33.3%, ठीक है। एरिड जो बिल्कुल ही सूख चुका है, उसमें -100 से -66.7 ये होता है उधर मारुथल वाली ओर, रेगिस्तान, ये राजस्थान के भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है जी। बढ़ता हूँ आगे, अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरी वेजिटेबल वैराइटीज़, वेजिटेबल की वैराइटीज़ देखेंगे हम, ठीक है। तो देखो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये वाली रेवोल्यूशनरी वेजिटेबल। पी की वैरायटी कौन सी है, अर्कल। वाटरमेलन की अर्का मैनिक, ये रेवोल्यूशनरी वैरायटी है, घबराइएगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि रेवोल्यूशनरी क्या होती है। रेवोल्यूशनरी होती है ना बेटा, रेवोल्यूशनरी होती है जो जिन्होंने मतलब एकदम काया पलट दी, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें क्रांति ला दी, ठीक है। जैसे कुछ वैराइटीज़ ऐसी थी इसकी, जैसे पी की है अर्कल वैराइटी, तो पहले पी की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी, इस वैरायटी के बाद उसकी प्रोडक्शन में पूरी बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई, ठीक है। अब वाटरमेलन था, वाटरमेलन का अर्का मैनिक वैरायटी की जो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यील्ड आ गई, तो इसने क्रांति लगा ला दी, है ना। चिलीज की पूसा ज्वाला, ओकरा की अर्का नामिका एंड प्रभानी क्रांति, मस्क मेलन की हरा मधु एंड पूसा मधु, ठीक है। तो कैप्सिकम की अर्का गौरव, ये थी रेवोल्यूशनरी वेजिटेबल वैराइटीज़, मतलब जिन वैराइटीज़ ने वेजिटेबल की फील्ड में पूरी तहलका मचा दिया, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ यूज़ ऑफ ट्रैप क्रॉप, एक मिनट, हाँ ट्रैप क्रॉप के बारे में अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा। ट्रैप क्रॉप क्या होती है, जो बच्चे एजीएम की प्रेपरेशन कर रहे हैं शायद उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर कोई फील्ड है, तो इसके आले दुआले मैंने क्रॉप्स लगा दी, ये मान लीजिए सरसों लगा दी, मस्टर्ड ग्रो कर दी मैंने, है ना, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, मस्टर्ड ग्रो कर दी मैंने, तो क्या होगा जी, मान लीजिए ये इंसेक्ट पेस्ट है, इंसेक्ट पेस्ट जो हमारी जो मेन फसल है उस पर ये अटैक करना चाहते थे, उस पर ये मेन जो मेन फसल पर अटैक करना चाहते थे, बट हमने क्या कर दिया, उसके जैसी ही मतलब ट्रैप क्रॉप लगा दी, उसके जैसी स्मेल रखने वाली हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल सेम हो सकते हैं उसके ऑर्डर, ट्रैप क्रॉप कोई भी हो सकती है, तो हमने उसके साथ मिलती जुलती स्मेल रखने वाली फसल बीज दी, ठीक है। तो इंसेक्ट पेस्ट को लगेगा कि ये वाली जो क्रॉप है मेन क्रॉप, ये वाले इंसेक्ट पेस्ट ये बॉर्डर वाली पर अटैक कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बॉर्डर वाली को कलेक्ट कर लेंगे और जला देंगे, ठीक है, साइड में, जो साइड में कलेक्ट करने के बाद इनको जला देंगे, ठीक है जी। तो हमारी जो मेन क्रॉप है वो सुरक्षित रह जाएगी, समझ लगी ट्रैप क्रॉप का मकसद क्या होता है, ठीक है, ये था इसका मकसद। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ट्रैप क्रॉप, ग्रो ट्रैप क्रॉप अराउंड द मेन क्रॉप टू अट्रैक्ट पेस्ट ऑफ मेन क्रॉप, मेन क्रॉप के जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको अट्रैक्ट किया जाता है ट्रैप क्रॉप द्वारा, ठीक है, एंड दीज इजीली एंड देन इजीली डिस्ट्रॉयड थ्रू स्प्रेइंग एनी इफेक्टिव पेस्टिसाइड।
यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कलेक्ट करने के बाद आगे लगानी है, यहाँ पर आप पेस्टिसाइड भी स्प्रे करके उनको मार सकते हो। ठीक है, अब यूज़ ऑफ ट्रैप क्रॉप हम देखेंगे कौन कौन सी ट्रैप क्रॉप यूज़ की जाती है। अब जो ओकरा है, ओकरा, ठीक है, ओकरे को जैसे भिंडी की फसल है उसको कॉटन में लगा दिया। मान लीजिए ये मेरी कॉटन की फसल है, इस फील्ड में मेरी कॉटन की फसल है, ठीक है, और इसके अराउंड मैंने क्या किया, इसके अराउंड, एक मिनट, इसके अराउंड मैंने इधर वाली साइड ये ओकरा ग्रो कर दिया। ठीक है, इसके अराउंड मैंने ओकरा ग्रो कर दिया, तो अब क्या होगा, जो रेड रेड कॉटन बग होगी, रेड कॉटन बग है कॉटन की, मतलब कॉटन पर अटैक करती है रेड कॉटन बग एंड बोलवॉर्म, तो वो हमारी कॉटन पर अटैक करने की बजाय हमारी जो ट्रैप क्रॉप ओकरा पर अटैक कर देगी। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ट्रैप क्रॉप है या तो वहाँ से हटाकर साइड में कहीं दूर ले जाकर आग लगा देंगे, या फिर उसको पेस्टिसाइड वगैरह के चलते उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये थी यूजेस। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी ट्रैप क्रॉप मैरीगोल्ड की। मैरीगोल्ड ट्रैप क्रॉप यूज़ की जाती है कॉटन और टमाटो में, किस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, हेलिकोवेरपा, अर्मीग्रा, ठीक है, अरमाइग्रा या अर्मीग्रा जो आप कहना चाहो। तो कैस्टर ट्रैप क्रॉप यूज़ की जाती है सोयाबीन में, ठीक है, किसको कंट्रोल करने के लिए, स्पोडाप्टेरा ल्यूटोरा, ल्यूटुरा, ल्यूटुरा, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, जो होते हैं ना इंसेक्ट पेस्ट के नाम, थोड़े से एंटोमोलॉजी में मेरा हाथ पहले भी टाइट था प्रोनाउंस करने में, ठीक है, वैसे तो रट्टे वाली ज़्यादा चीज़ होती है, समझाने वाली नहीं होती उसमें। टमाटो किसकी ट्रैप क्रॉप है, सिट्रस की, सिट्रस के फील्ड के द्वारा जो आले द्वाले टमाटो ग्रो किया जाता है, किसको रोकने के लिए, फ्रूट बोरर को। मस्टर्ड है ट्रैप क्रॉप कैबेज की, किसके लिए, डायमंड बैक मोथ के लिए, ठीक है। चिल्लीज है ट्रैप क्रॉप अनियन की, फॉर थ्रिप्स। ओके, तो चलो जी आगे बढ़ता हूँ, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड की। ठीक है, वाटरशेड के बारे में आप सभी को पता ही होता है, क्या होता है वाटरशेड, पता है ना आप सभी को, एग्रीकल्चर वाले मेरे भाई जो होंगे, भाई और बहन, उनको तो पता ही होगा, बट जो एजीएम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। वाटरशेड, पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लो। वाटरशेड कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ एरिया कवर ऑल लैंड विच कंट्रीब्यूट रन ऑफ टू कॉमन पॉइंट और आउटलेट सराउंडिंग बाय रिज या लाइन। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर बारिश आई, काफ़ी ज़्यादा बारिश आई, ठीक है, मान लीजिए, और कुछ पानी जो ज़मीन के अंदर चला गया, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन वगैरह, और जब वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मतलब अभी अंदर पानी और जाने के लिए अवेलेबल नहीं था, वो ऊपर से जाने जाना शुरू करने लग गया, ठीक है, रन ऑफ होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, वाटरशेड एक ऐसा यूनिट एरिया है जिसको, मतलब ऐसे खालियां बना दी जाती हैं, ठीक है, खालियां बना दी जाई और इसको एक मेन जो चैम्बर में और मेन टैंक में स्टोर किया जाता है पानी को। ठीक है, क्यों स्टोर किया जाता है, लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए, या फिर इन फ्यूचर अगर पानी की कमी हो जाती है बारिश ना आने की वजह से, तो हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वाटरशेड की मैनेजमेंट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो आप एक बार ऐसा समझिए कि एक ऐसी है, मतलब भौंखोर आपने सुना होगा ना, मिट्टी का खुर जाना होता है जब, मतलब रेन काफ़ी ज़्यादा आती है, तो यहाँ पर भी पानी यहाँ पर हो गया, तो मिट्टी को खोर खोर लेता है ये वाला, ठीक है, तो मिट्टी खुरन को क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन हो जाती है। तो सोयल इरोजन को बचाने के लिए मेन पर्पस इसका, पहले सरकार ने जो रखा था कि सोयल इरोजन हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसको कम करने के लिए क्या किया गया, ऐसे स्कीम लड़ाई गई कि खालियां बना दी जाती है, तो पानी खालियों में से चलता हुआ मेन जो स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाता है, तो वहां पर हम पानी स्टोर कर लेते हैं, सिंपल। तो जी ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर नीचे कमेंट में। अगर कोई किसी का डाउट है
तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आप दिसंबर की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वो डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। ठीक है जी, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज शाम का वीडियो होगा, ठीक है, जो मतलब हमारा चलता है वीडियो दूसरा, वो भी 1-2 घंटे बाद ही मैं ले रहा हूँ आपकी क्लास। तो एग्रीकल्चर की थी ये वाली क्लास और दूसरी होगी जनरल अवेयरनेस पर, और मिलना ज़रूर उस क्लास में। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।